ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु श्री महावतार बाबा जी, उनकी बहन श्री लागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। मित्रों, 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया है। 3.5 मुहूर्तों में से एक बहुत शुभ मुहूर्त है और अक्षय तृतीया का अर्थ है कि कभी भी क्षय न होने वाला। अब जो क्षय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया को बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं और अक्षय तृतीया को हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। अक्षय तृतीया को स्पेशली जब आप सोना खरीदते हो, मतलब आप धन की वृद्धि करना चाहते हो, आप जो सोना अथवा पैसा जो होता है नई इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडीज करते हो या किसी को शगुन के रूप में कुछ देते हो, वो इसलिए देते हो कि वो जैसा का वैसा बना रहे और उसको कभी खर्चा ना हो और उसमें वृद्धि हो जाए। यानी आपने सोना भी आज खरीदा तो अगला साल आते आते वो सोना जो है आपके घर में और भी सोना उसमें आना चाहिए। पैसा आपने अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो आपको वो और पैसा आना चाहिए। या फिर अक्षय तृतीया के दिन आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आपके हाथों से बहुत अच्छे कार्य होने चाहिए। तो अक्षय का अर्थ क्या है कि ये अक्षय जो होता है एक घड़ा होता है। घड़ा मतलब जैसे हम कलश कहते हैं, उस कलश में जैसे कि कलश स्थापना महालक्ष्मी के इसमें करते हैं, आपको पता ही होगा हर एक दिवाली के समय में या महालक्ष्मी का कोई भी त्योहार रहता हो या व्रत रहता हो उसमें कलश स्थापना करते हैं। तो महालक्ष्मी और कलश स्थापना का अर्थ क्या है? महालक्ष्मी की पूजा में ही कलश स्थापना क्यों की जाती है, ये सारी चीजें जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो यानी जो 14 मई को अक्षय तृतीया आने वाली है, इसमें अगर आपको कोई साधना शुरू करनी है तो वो साधना आप सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना शुरू कर लीजिए। मित्रों, साधना शुरू करने का मतलब मंत्र को रट्टा मारना नहीं कहते। आप कहीं गूगल से मंत्र उठा लेंगे, फिर आप अपने खुद का संकल्प करेंगे कि मैं फलाना सवा लाख का जप करूंगा, या फिर आप वीडियो कॉल पर किसी से मंत्र की दीक्षा लेंगे और वो आपको कहेगा कि इस मंत्र का आप इतने बार जप करो, तो इसको साधना नहीं कहते। मित्रों, ये साधनाएं जो होती है कभी भी तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन, इन सारी सामग्रियों से होती है। और जो देवता होती है उस देवता का तत्व, स्वभाव, औषधियां क्या क्या लगती है उसको, उसकी डेप्थ क्या है, उसका स्वभाव गुण क्या है, इन सारी चीजों से सारी चीजें जो है वो समझकर साधना करनी पड़ती है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें आप लक्ष्मी, कुबेर, सुवर्णाकर्षण भैरव इनकी साधना कर सकते हो। सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना अक्षय तृतीया पर इसलिए करनी चाहिए कि इन सारे जो लक्ष्मी और कुबेर, इनके पास जो सुवर्ण कोष का भंडार है, इनके पास जो धन है, इसका प्रमुख देवता ही सुवर्णाकर्षण भैरव है। जब लक्ष्मी और कुबेर जी के पास बहुत सारे जो धन संचय था वो उसका एक प्रकार से क्षय होना शुरू हो गया, यानी लक्ष्मी के धन का क्षय होना शुरू हो गया और फिर कुबेर जी के धन का भी क्षय होना शुरू हो गया, तो आगे क्या करे? इसलिए लक्ष्मी और कुबेर जी जो थे वो भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव जी के पास उन्होंने अपनी समस्या बताई तो भगवान शिव जी ने कहा कि अगर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहते हो और आपका जो धन कोष है वो अक्षय रहे। अक्षय का मतलब क्या है कि फालतू चीजों में खर्चा न होना, ये सारी चीजें इसमें आती है, गलत चीजों पर खर्चा न होना, सेविंग अच्छे रहना, ये सारी चीजें होती है और कभी दिक्कत ना आना धन की। तो ये सारी चीजें अगर आपको इसका आशीर्वाद चाहिए तो इसमें आप दोनों को यानी लक्ष्मी और कुबेर को आप दोनों को सुवर्णाकर्षण भैरव ही मदद कर सकते हैं। सुवर्णाकर्षण भैरव वो भैरव है, एक सात्विक भैरव है वो, और ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के धनकोश भंडार के बैंकर है, हम कह सकते हैं मैनेजर हम कह सकते हैं। यानी जो श्रीयंत्र होता है उस श्रीयंत्र जो है एक बहुत बड़ा राजमहल है, यानी इतना बड़ा राजमहल है कि हम हमारे सोच से परे, वहां अलग अलग प्रकार के रत्न, माणिक, मोती, अलग अलग प्रकार की औषधियां, बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां वहां पर होती है। तो वहां पर ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो सोना रखा जाता है, जो प्योर सोना रखा जाता है वो, और वो सोना जिनके संरक्षण में रखा जाता है,
उसी के साथ जो रत्न नवरत्न होते हैं और नवरत्नों के साथ और भी उपरत्न होते हैं, इनको भी जिनके हाथों में जिनके अंडर सुरक्षित रखा जाता है वो है सुवर्णाकर्षण भैरव। ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी महात्रिपुर सुंदरी जिन्हें कहा जाता है, वो महात्रिपुर सुंदरी के साम्राज्य के धनकोश भंडार के अधिपति सुवर्णाकर्षण भैरव है। मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूं, ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो है, ये सुवर्णाकर्षण भैरव है। हाँ, थोड़ी बॉडी इनकी जो होती है वो नीले कलर की होती है, ऐसा है। और लक्ष्मी और कुबेर जी जो है वो उनके पास हाथ जोड़ के खड़े है और उनके ऊपर वो धन वर्षाव कर रहे हैं। आपको अगर सुवर्णाकर्षण भैरव साधना हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा करने की इच्छा है, आप संकल्प करना चाहते हैं अक्षय तृतीया से, तो आप जरूर कर सकते हैं। हमारा सुवर्णाकर्षण भैरव का बुक जो ऑलरेडी पब्लिश है, काफी लोगों ने इसके बारे में जो है एक प्रकार से लाभ लिया हुआ है, और ये 34 पेज की बुक है। इसमें हमने पूरा तर्पण का विधि सिखाया है, अभिषेकम सिखाया है, यंत्र पूजन सिखाया है, कवच पाठ सिखाया है, स्तोत्र सिखाए है, और पूरे इंडिया में पूर्ण भारत में एकमेव यही एक किताब है जो ऑथेंटिकली हमने श्री विद्यापीठम द्वारा पब्लिश की गई है। और बाकी जितने भी जगह है, बाकी सारी जगहों पर जो है वो सिर्फ आपको मंत्र का चैंटिंग कैसे करना है, रट्टा कैसे मारना है, उतना ही आपको सिखाया जाता है, एक प्रॉपर रिचुअल सिखाया नहीं जाता। मित्रों, विदाउट रिचुअल, विदाउट पूजा का जब तक आपको साधना का विधान पता नहीं है, तब तक ऐसे सारे शक्तियों के अनुभव नहीं आते। तो आप इस अक्षय तृतीया से एक प्रॉपर विधान सीखिए। अगर आप ये बुक देखेंगे तो इस बुक में आप देखिए, ये सुवर्णाकर्षण भैरव की एक दूसरी फोटो है, ऐसा है। इस फोटो में सुवर्णाकर्षण भैरव अपने पत्नी को लेफ्ट थाई के ऊपर बैठे हुए है। सुवर्णाकर्षण भैरव के पत्नी का जो नाम है वो सुवर्ण लक्ष्मी है, ऐसा है। वो सुवर्ण लक्ष्मी उनके साइड में बैठी हुई, लेफ्ट साइड में। और अगर आप उनके हाथों में देखोगे तो उनके हाथों में कलश है, ऐसा है। ये कलश क्या है, ये कलश की जो स्थापना होती है, कलश मतलब घड़ा, एक सेविंग जिसमें हम जैसे कि घर वाले बच्चों को देते हैं, एक घड़ा देते हैं और उसमें कहते हैं कि तुम अपने दिन में तुम्हें जो पॉकेट मनी मिलता है वो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये उसमें डाल के रखो। वैसे ही हम भी जो होते हैं, हमारे पैसे कभी कभी घर के खर्च से निकाल कर रख देते हैं किसी पिगी बैंक में। तो एक प्रकार से ये जो कलश होता है, ये आप देख लीजिए, और उस कलश के ऊपर नारियल है, आम के पत्ते है, तो ये बहुत शुभ शकुन होता है। अक्षय तृतीया को हमें कलश की पूजन करके लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। और अगर आप साधना करना चाहते हो सुवर्णाकर्षण भैरव की, या मेरे यहां से किसी ने सही प्रकार से साधना सीखी है, तो वो भी अक्षय तृतीया को सुवर्णाकर्षण भैरव के नाम से कलश स्थापना जरूर कीजिए। और उसमें क्या क्या डालना है वो जो है हमने इस कोर्स में बताया ही है। और कलश स्थापना करके आप जब तक ये साधना कर रहे हो, तब तक वो कलश वैसा का वैसा रख के आप उसका सिर्फ पानी बदलना है और कुछ चीजें बदलनी है, वो हम उसमें जो है एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। उसी के साथ मित्रों, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब सुवर्णाकर्षण भैरव, कुबेर और लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं तो सुवर्णाकर्षण भैरव की पूजा में नॉर्मल जो कुमकुम होता है, लाल कुमकुम, वो सर को नहीं लगाया जाता, यानी रेगुलरली लगाते हैं, परंतु सुवर्णाकर्षण भैरव का जो कुमकुम होता है वो अलग होता है, ऐसा है। जैसे कि मेरे सर के ऊपर लगाया हुआ है, वो अलग कुमकुम होता है, उसके रिचुअल्स अलग है, उसके नियम अलग है। तो वो भी जो चीजें है, ये सारे विषय हमने हमारे कोर्स में पूर्ण रूप से बताए हैं। अगर आपको अक्षय तृतीया को ये सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है तो ये बुक आपको बाय पोस्ट मिल जाएगी। उसके साथ हमने यंत्र पूजा भी इसमें सिखाई है प्रॉपर वे से, और ये जो फोटो है ये फोटो भी आपको इसके साथ मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रॉपर साधना आप जीवन में सीखिए। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगम शास्त्र जो है, ये सारी साधनाएं जो आती है, 10 महाविद्या हो या ये भैरव की साधना वगैरह होती है, ये सारी आगम शास्त्र में आती है। आगम शास्त्र की साधनाएं करना इतनी आसान चीज नहीं है। घर के कुल कुलाचार के कुल देवी के आशीर्वाद चाहिए, तब जाके कोई एक प्रॉपर साधना आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कहीं से आपने मंत्र उठाया और उसका जप कर रहे हैं तो वो साधना होती नहीं है।
एक रिचुअल सीखने के लिए आपको प्रॉपरली आशीर्वाद की ही जरूरत होती है। तो इस अक्षय तृतीया पर अगर आप ये करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। सुवर्ण आकर्षण भैरव के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसको रेगुलर जीवन में रूटीन लाइफ में उसका पूजन अर्चन जो मैं हमने सिखाया है वो रखेंगे तो काफी अच्छे सात्विक अनुभव और आर्थिक समस्या जो होती है उससे एक शांति या अलग एक अच्छा सा रास्ता जो होता है वो आपको जरूर लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर अक्षय तृतीया को ये करना है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसका लिंक दिया ही हुआ है। और अगर आप मुझे सीधा कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर भी मोबाइल नंबर दिया है हमारा, तो मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमारे ब्लॉग के ऊपर दिया गया है। और इस अक्षय तृतीया में जो जिस तरह से मैंने कहा कि लक्ष्मी की पूजा में कलश स्थापना होती है, एक्चुअली वो कलश स्थापना का जो एक प्रकार से परंपरा चली आई है वो सुवर्णाकर्षण भैरव से चली आई है। तो उस कलश में जल में बहुत सारे अलग अलग चीजों को स्थापित किया जाता है और बाद में ये सब कुछ किया जाता है। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती भी है तो उसके भी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि श्री विद्या के जो गुरु है आचार्य है वो परशुराम जी है। हमारे जो श्री विद्या की परंपरा है उसके गुरु परशुराम आचार्य है, तो उनकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जरूर आप आगे सफल हो और अक्षय तृतीया के जिन दिन आप एक अच्छा संकल्प लेकर आगे आपका जीवन जो अभी जो आप अलग अलग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और आगे का जीवन आपका सफल हो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा मित्रों।